इंडियन एल क्लासिको द मुंबई सिटी एफ सी वर्सेज ए टी के मोहन बागान इंडिया में बहुत सारा एल क्लासिको है आप कह सकते हो केरला ब्लास्टर्स एफ सी वर्सेज ए टी के मोहन बागान वो भी एल क्लासिको बो कह सकते हैं हम बेंगलुरु एफ सी वर्सेज़ ए टी के मोहन बागान मुंबई सिटी एफ सी का भी है और अगर केरला ब्लास्टर्स एफ सी मुंबई सिटी एफ सी और बेंगलुरु एफ सी के साथ खेलता है वो भी एल क्लासिको एंड देन ऑल्सो ईस्ट बेंगाल बट इन रिसेंट ईयरस ईस्ट बेंगल परफॉर्मेंस हैज़ नॉट अप टू द मार्क दैट द क्लब ज द हिस्टोरी एंड द काइंड ऑफ क्लाब दैट ईस्ट बेंगल इज वी ऑल नो बट अगर हम बात करें इस मैच के बारे में मुंबई सी टी एफ सी वर्सेज ए टी के मोहन भगन द टू मोस्ट स्पेंडिंग साइड ऑन इंडियन सुपर लीग वाट अ गेम दैट वॉज एंड आई फील दिस इज द बेस्ट गेम इन दिस सीजन शो फार एंड वी कैन क्लियरली सी द क्वालिटी ऑफ द गेम द पेस ऑफ द गेम और अगर हम पेस के बारे में बात करें अब टीम अटक पर जा रहा है और वहाँ से ही और एक टीम जहाँ पर बॉल जीत रहा है वहाँ से काउंटर स्टार्ट हो रहा है सो दैट्स द क्वालिटी हाँ बहुत कुछ लोग ये कह सकते हैं कि मुंबई का जो मुंबई फुटबॉल एरिना है वो स्टेडियम का साइज उतना ज़्यादा नहीं है इसके लिए अटक के बाद अटैक हो रहा था टू एंड से ही ये सब आता है कॉन्टेक्स में बट द क्वालिटी ऑफ दिस गेम इज़ अनपैरल और अगर हम बात करें कि मुंबई सिटी एफ के बारे में मुंबई सिटी एफ मिडफील्ड वाज़ रियली रियली गुड वी ऑल नो हाउ क्लासी प्लेयर अहमद जाहू इज एंड विथ हिम अपुया इज़ प्लेइंग यस अपुया इज़ नॉट प्लेइंग एज हिज यूजुअल पोजिशन अपुया प्लेइंग एज अ नंबर एट एंड जाहू प्लेइंग एज अ नंबर सिक्स अपुया को थोड़ा सा यहाँ पर क्रिएटिव होने के लाइसेंस दे चुके हैं देश बर्किंग हमने और वहाँ पर थोड़ा मुंबई सिटी एफ को रीड करना भी और जो भी सारे टीम है उनके लिए वहाँ पर डिफ़िकल्ट हो रहा है बिकॉज़ अपुया वॉज अ डिस्ट्रीब्यूटर एट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफ और उसके बाद जब उन्होंने यहाँ पर मुंबई सिटी टी एफ के लिए फास्ट सीज़न खेला था देश बखीम के अंडर वहाँ पर भी अपुया वॉज अ डिस्ट्रीब्यूटर बट अपुया एज अ नंबर एट खेल रहा है दिस सीज़न मुंबई सिटी सी एफ के लिए और यहाँ पर बात हो सकता है कि अपुया का परफॉर्मेंस जो है वो उतना अच्छा नहीं है बट ही इज़

एटीके मोहन बगान के डिफेंस में जब ट्रांजेशन हो रहा था नेगेटिव ट्रांजेशन इन टर्म्स ऑफ एटीके मोहन बगान जब वहाँ पर बॉल लूज़ कर रहा था तो ट्रैक बैक नहीं हो रहा था एंड दैट्स द प्रॉब्लम बिकॉज अगर आप देखें तो शायद से 64 और 5 मिनट में एक बॉल वहाँ पर जाकर डिफेंस सेक्शन में स्टुअर्ट जाकर इंटरसेप्ट कर रहा है स्टुअर्ट जाकर वहाँ पर टैकल मार रहा है जॉनी काउको को बट कैन यू सी दैट फ्रॉम मोहन बगान साइड बूमोस ने किया ऐसा ट्रैक बैक करता है नहीं बट बहुत प्लेयर्स का बहुत सारे प्लेयर्स का बहुत सारे ट्रेड्स होता है वी कान क्वेश्चन अबाउट दोज बट मुंबई सिटी एफ सी इज़ अ रियली रियली गुड साइड दे हिट द पोस्ट आई थिंक ट्वाइस एंड ए टी के मोहन बगान ऑल्सो हिट द पोस्ट ट्वाइस और अगर हम बात करें ए टी के मोहन बगान के बारे में चुआन फेरांडो अंडर प्रेसर था पहले मैच के बाद जो चेन्नई एफ सी के साथ पहला मैच हार मिल गया था और डान में भी ऐसा कुछ खास रिजल्ट नहीं हुआ था और एफ सी कप में भी परफॉर्मेंस बहुत ही घटिया था एक मैच में और वो नॉकआउट था वहाँ पर तो आई पर्सनली फील दैट ही विल नॉट गोइंग टू सर्वाइव बट दिस इज जुआन फेरांडो एंड दिस इज द क्वालिटी ऑफ दिस टीम दिस ए टी के मोहन बागान साइड इज़ रियली रियली गुड साइड और ए टी के मोहन बागान ये क्लब किस लिए क्रिएट किया है एक सिंपल बात है कि एशिया में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस मिले मोहन बागान ऑलवेज इंडिया का जो टॉप टायर है वहाँ पर डोमिनेट किया है मोहन बागान ईस्ट बंगाल ने बट एशियन क्लब कंपटीशन में उतना छाप नहीं छोड़ सका है हमारा ईस्ट बंगाल और मोहन बागान टू क्रिएट दिस टीम द फोकस वाज ऑन एशिया टू डू समथिंग ऑन एशिया बट वो प्रोजेक्ट भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि एफ सी कप में सिक्सटीन नासब के एगेंस्ट इंटरजोनल सेमी में और यहाँ पर भी इंटरजोनल सेमी में यहाँ पर बीट होम गेम में बीट कर कर चला गया एक मलेशियन क्लब्स दे ऑल्सो प्लेज द एफ सी कप फाइनल बट द प्रोजेक्ट इज फेलियर यू कैन से और एज ए इंडियन फुटबॉल फैन आई जस्ट लव इंडियन फुटबॉल एंड आई सपोर्ट ऑल द क्लब्स फ्रैंकली स्पीकिंग तो अगर यहाँ पर मोहन बागान होता तो और भी सारे फैंस आते और आ, आप देख सकते हो कि कितना सारे फैंस आ रहा है आफ्टर टू सीजन ऑफ विदाउट फैंस दे प्लेस ऑन गोवा बट दिस सीजन एशिया में हाइस्ट अटेंडेंस लीग है आई एस एल ओके और अगर ये ए टी के नहीं होता मेरा ए के से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ए टी के वहाँ पर रह जाता मोहन मगान अलग से आई एस एल खेलता तो वो भी बहुत अच्छा होता इंडियन फुटबॉल के लिए गोयंका का शायद ये क्वेश्चन हो सकता है कि गोयंका का थॉट प्रोसेस ये हो सकता है कि ईस्ट बंगाल खेल रहा है मोहन बगान खेल रहा है तो यहाँ पर सपोर्टर मैं कहाँ से लेकर आऊँ शिप फ्रॉम कोलकाता एंड गो टू नॉर्थ ऑफ बेंगाल देयर्स यू विल गेट लॉट ऑफ सपोर्टर्स बट लॉन्ग टर्म विज़न कुछ होता है कुछ शॉर्ट टर्म विज़न होता है और जो भी फ्रेंचाइजी साइड है वो शॉर्ट टर्म विज़न के पीछे ही भागता है यू ऑल नो तो मैं बहुत ही कॉन्टेक्ट के बाहर जा रहा हूँ मेन मुद्दा यही था कि एटी के मोहन बागान प्लेज रियली वेल अंडर जुआन फेरनांडो इन दिस गेम बिल्डअप प्ले दे आर ट्राइंग टू प्ले बट मुंबई सिटी एफ सी का जो प्रेसिंग था दैट वॉज स्पॉट ऑन यू कैन से अपुया इज पुसिंग लालिंग जुएला चांगते ओ माई गॉड लालिंग जुएला चांगते हाउ कैन यू सीट हिम ऑन द बेंच ऑन नेशनल टीम कलर ओके ही इज द हाएस्ट गोल कोर इन डुआन लुक हाउ ही इज कोरिंग इन आई एस एल व्हाट आर क्लासिक क्लासिक प्लेयर लालिंग जुएल चाँते डिड नॉट मिस एनी सिंगल बॉल इन द गेम्स ए टी के मोहन बगान ओके और एटी के मोहन बगान का जो भी क्रिएटिव पार्ट है मनवीर आफ्टर ड्रॉपिंग फ्रॉम द नेशनल साइड मनवीर लुक्स रियली रियली गुड और यह अच्छा हुआ है मनवीर सिंह के लिए कि उनको ड्रॉप किया गया है नेशनल टीम के साइड से क्योंकि बहुत अच्छा मनवीर सिंह हम देख रहे हैं ए के मोहन बगान के लिए एंड वी नीड दिस मनवीर सिंह मनबीर थोड़ा क्लिनिकल हो सकता था कुछ पॉजिशन पर जहां पर उन्होंने वहां पर ले ऑफ रख दिया बूमोस और वट द नेम द स्ट्राइकर इज डिमिट्रीपेटाटॉस डिमिट्रीपेटाटॉस के लिए अगर वहां पर वो गोल मार देता ऑन फ्रॉम सेम पोजिशन आई वॉज ऑन स्टेडियम सेम पोजिशन हिस्स कोड अगेंस्ट ईस्ट बेंगल सो वाई टू पास मैन आई नो डिसन मेक मेक्स अ लॉट ऑफ फैक्टर बट मनवीर अगर वहाँ पर ट्राई करता तो और एक गोल भी हो सकता था ए के मोहन बगान के लिए और मनबीर के लिए भी बहुत अच्छा होता क्योंकि मनबीर इज़ लुकिंग रियली रियली गुड और अगर आप लीग के ऐसा एक कॉम्पिटिटिव टीम के अगेंस्ट गोल मार देते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग तरह की हो जाती है और उसके बाद हम बात करें लिस्टॉन कोलासो का आई थिंक एवरी वन नोज स्टिक्स लिस्टॉन कोलासो यूज दैट्स क्लियर ओके he just goes outside and try to shoot and whenever he is getting the ball liston ko jab ball hai, two men are covering him one from outside that he can't cut the outside cut and then if he tries to go and try to cross the ball another man is marking so that's the problem liston is doing but agar liston or changteko apni par dekhe, चांगते इज ऑल्सो अ लेफ्ट फुटर, लिस्टन इज अ राइट फुटर. चांगते कहाँ पर खेलता है राइट विंग पर और राइट विंग पर लेफ्ट फुटेड प्लेयर जैसा मेसी होता है ना राइट विंग पर लेफ्ट फुटेड प्लेयर एंड लेफ्ट विंग पर राइट फुटेड प्लेयर जैसे लिस्टॉन कोलासो बट चांगते डिड नॉट मिस एनी सिंगल बॉल अगेंस्ट एटी के मोहन बगान ऑन द विंग्स बट लिस्ट लिस्टन I, how can I describe this? Liston miss a lot of balls and that's create a lot of problem in ATK Mohun Bagan defense. और यहाँ पर mature होना पड़ेगा Liston कोलासो को कि मुझे outside नहीं करन, करना चाहिए ऐसे position पर मैं byline पर जाऊँ वहाँ से हल्का एक pass रखूँ Subhasis Bose को he needs to link up play with his winger and underlapping midfielders I think. अगर हम बात नहीं करें आशिक कुरुनियन का तो यह नाइंसाफी हो जाएगा बिकॉज आफ्टर 67 सेवन मिनट कम्स फ्रॉम बेंच एंड ही मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस ए टी के मोहन बान वहाँ पर लीड भी ले सकता था वहाँ पर बार को हीट किया डिमिट्री पेटाटॉस ने एंड देट वॉज अ रियली गुड क्रॉस फ्रॉम आशिक एंड ही मेक्स अ लॉट ऑफ वेरी वेरी गुड रन एंड दिस इज आशिक कुरुनियन वी ऑल नो तो एक को शायद से खेलना पड़ेगा वहाँ पर लिस्टन और आसिक को सो जॉन फेरान्डो इज प्लेइंग विथ वन डे ही इज़ प्लेइंग विथ लिस्टन एंड देन सब्सटीट्यूटिंग विथ आसिक एंड देन वन डे इज़ आशिक प्लेइंग ऑन द इलेवन एंड लिस्टन इज कमिंग फ्रॉम द बेंच और अगर हम बात करें रेड कार्ड के बारे में सो so पहले हम बात करते हैं डिफेंसिव मिडफील्ड के पोजिशन पर ए टी के मोहन भान का तो डिफेंसिव मिडफील्ड पोजिशन पर प्रॉब्लम है i Deepak Tangri is not a defensive midfielder. Deepak Tangri is a proper proper centre back. You can clearly see on the Indian under-23 national team games, he is not that much of tactical good player, but he can throw his mouth also to save the ball. He is a proper proper jingan of defence. Okay, he I know he in build-up situation he will struggle a bit, but Little by little he will also grow. You can clearly see after coming in एटी के मोहन बागान सन्देश जिंगन ऑल्सो इम्प्रूव हाँ बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा कि वो सिडनी में गया था वहाँ पर okay ओके बट ही ऑल्सो इम्प्रूव बिकॉज ही नोज दैट ही हैज़ टू प्ले विद द बॉल फ्रॉम द बैक So दीपक टांगड़ी को अगर सेंटर बैक पोजीशन में ट्राई करेगा तो एटी के मोहन बगान के लिए अच्छा होगा तब आशीष राय का क्या पोजीशन होगा आशीष और पिथम में से एक को खिलाना पड़ेगा बट आई डोंट थिंक दैट जन फ्रेंडो विल प्ले हीम ऑन द सेंटर बैक पोजिशन एंड दैट्स हार्ड्स मी मोट ओके दैट्स क्लियर और लेनी आया लेनी जब गेम में आया तो ए टी के मोहन भगन को कुछ अलग ही लगा जो पहला गोल था आप क्लियर देख सकते हो वहां पर हामिल से एक पास लिया सुबाशिष बोस ने ही ओट्स ओट्स एंड लेनी मेक्स अ वेरी गुड रन बिहाइंड ग्रेक्स टूअ ले एंड वेरी गुड पास फ्रॉम सुभाषिष बोस टू लेनी लेनी प्लेस द बॉल टू द आशिक आशिक कुरानन नहीं था वहाँ पर शायद से लिस्टन था वहाँ से चांस क्रिएट हुआ और वहाँ से ही गोल किया है जॉनी काओको ने सो यू नीड सम वेरी गुड डिफेंसिव मिडफील्डर एंड ए टी के मोहन बहान के ए टी के मोहन बान जो जुआन फर्नान्डो के सिस्टम में खेलता है उसके लिए एक डिफेंसिव मिडफील्डर बहुत ज़्यादा की होगा ओके क्योंकि तुम्हें सिर्फ चार ही फॉरेनर खिला सकते हो सो यू कान प्ले विथ कार्ल मैक्यू या ही कैन कम्स फ्रॉम बेंच बट यू कान स्टार्ट विथ कार्ल मैक्यू बिकॉज तुम्हारे पास तुमको एक डिफेंस में चाहिए फॉरेनर जो हैमिल खेल रहा है उसके बाद जॉनी काको है हुगो बुमोस है और डिमिट्री पेटाटॉस भी है सो दे नीड्स टू फाइंड अ डिफेंसिव मिडफील्डर इन जनवरी ट्रांसफर विंडो और आफ्टर द सीज़न बट इफ दे वॉन्ट्स टू डू समथिंग वेल दिस सीजन दे नीड्स अ वेरी गुड डिफेंसिव मिडफील्डर हु कैन प्ले विथ द बॉल एंड हुज समेक्टिकल नॉलेज और बिल्ड बिल्ड अप प्लेइंग दैट्स द पॉइंट और अगर हम बात करें मुंबई सिटी एफ सी का मुंबई सिटी एफ सी प्लेज देयर गेम मेहताब वहाँ पर ओन गोल कंसिड किया है बट मेहताब इज द टॉप इंडियन सेंटर बैक इन रीसेंट टाइम्स ओके रिसेंट टाइम्स ने ही इस आई एस एल में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है एक ओन गोल कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है तुम अपना परफॉर्मेंस करो नेशनल टीम के लिए नेशनल टीम का डोर में आप नॉक करो वो अच्छा रहेगा और भी जो भी सेंटर बैक खेल रहा है साना अनोर यंग प्लेयर्स के लिए कि उनको भी परफॉर्मेंस राइज करना पड़ेगा और दिस इज द यू कैन से दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्ले विथ फोर फॉरेनर्स इन योर टीम एंड अगर हम बात करें अहमेद जाहू का यू ऑल नो हाउ क्लासिकल प्लेयर अहमेद जाहू इज़ एंड ही प्ले

देश बाकी हम ट्राई कर सकते हैं गुरकीरत को और गुरकीरत नेशनल टीम के लिए जूनियर नेशनल टीम के लिए अच्छा कर रहा है लेट सी व्हाट हैपेंस आई बहुत ही अच्छा हो रहा है और इस गेम का क्वालिटी के बारे में तुम सब देखे हो शायद से तो बहुत ही अच्छा गेम था और तुम्हारे लिए ए, दो टीम का मैन ऑफ द मैच कौन था मुझे तो ये लग रहा है कि मुंबई सिटी एफसी के लिए मैन ऑफ द मैच एक ही था वो है अहमद जहू ए के मोहन मान के लिए मैन ऑफ़ द मैच कौन आपके हिसाब से तो यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो कमेंट में आप बता दो और वाला जोला चांदते स्कोरिंग दैट्स द पॉजिटिव पॉइंट फ्रॉम इंडियन नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू इंडियन नेशनल टीम पॉइंट ऑफ व्यू और हमें दैट्स आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम लेट सी व्हाट्स हैपन एंड आई सेल इज़ गोइंग रियली रियली क्रेजी गुड गेम्स सपोर्टर्स ऑल्सो कमिंग इंडियन प्लेयर्स आर डूइंग वेल यासी डूइंग वेल साहल स्कोर टू गोल्स अनिरुद्ध थापा इज डूइंग वेल ब्रेंडन इज डूइंग वेल सुनील छेत्री भाई का देखते हैं क्या होता है वहाँ पर बेंगलुरु एफ का परफॉर्मेंस इस बेंगाल के एगेंस्ट इस बेंगाल स्ट्रगलिंग बट यू नो दिस टीम इज नॉट दैट मच वेल प्रिपेयर कितना टाइम मिला है और उतना अच्छा इंडियन प्लेयर्स भी नहीं है जो नेशनल टीम का डोर पर नॉक कर रहा है सो दैट्स मेकिंग अवज ही प्रॉब्लम फॉर ईस्ट बेंगाल एंड आई थिंक इट विल टेक वन और टू सीजन फॉर ईस्ट बेंगल टू सेटल इन अगर इमामी रहेगा तो भी एक दो साल लग जाएगा ईस्ट बेंगल को सेटल होने में लेट सी आई एस एल इज डूइंग रियली वेल आई थिंक और प्रोमोशन भी आ रहा है दैट्स दो दैट्स द बिगेस्ट पॉजिटिव पॉइंट कारेंटली लेट सी व्हाट्स हैपन अगला साल हमें ट्वेल्व क्लब्स देखने के लिए मिल जाएगा तो कौन वहाँ पर प्रोमोशन आई लीग से होकर आएगा तो वो भी देखना है गोकुलम केरला है वहाँ पर मोमन स्पोर्टिंग है चार्चिल ब्रदर्स है आप कह सकते हो राजस्थान यूनाइटेड ऑल्सो ऑन द बाजी राउत कॉप आई थिंक टूडे सो लेट्स हाउ ऑल थिंग्स गोज़ एंड आई लिग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि प्रोमोशन है टू आई एस एल एंड लेट्स सी ट्वेल्व क्लब्स और अगर राजस्थान आएगा तो वहाँ पर स्टेडियम कौन सा होगा क्योंकि राजस्थान में ऐसा स्टेडियम अभी तक नहीं है सो दे नीड्स टू फुलफिल ऑल द लाइसेंसिंग क्राइटेरियाडिंग टू